नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक लदी कार के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट API सचिन वाझे की गिरफ्तारी की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस ने दावा किया कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक कार घटना से पहले 4 महीने तक वाझे के पास थी। कार के मालिक हिरेन मनसुख पिछले दिनों मृत पाए गए हैं। फडणवीस ने कहा कि मनसुख हिरेन की पत्नी को शक है कि सचिन वाझे ने उनकी पत्नी की हत्या की। फडणवीस ने मनसुख हिरेन की पत्नी का बयान पढ़ते हुए कहा कि वाझे ने हिरेन को सलाह दी थी कि वो खुद की गिरफ्तारी करा ले और वो आसानी से बेल दिला देगा। हालांकि उसकी पत्नी ने इससे अलग राय दी और हिरेन अग्रिम जमानत के लिए राय विचार कर रहा था। फडणवीस ने कहा कि उसकी पत्नी को शक है कि वाझे ने ही हिरेन की हत्या की और इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आमची मागणी आहे, कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही मान्य करणार नाही। अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारे जर या विधानसभेमध्ये स्वतः गृहमंत्री एखाद्या अपराध्याला केवळ तो एका विशिष्ट पक्षाचा आहे म्हणून पाठीशी घालणार असतील अध्यक्ष महोदय, तर हे योग्य नाहीये। आम्हाला हे मान्य नाही अध्यक्ष महोदय, आम्ही हे चालू देणार नाही अध्यक्ष महोदय। आमची मागणी आहे आत्ताच्या आत्ता सचिन वाझेना सस्पेंड करा अध्यक्ष महोदय आणि त्यांना अटक करा अध्यक्ष महोदय, आता अटक करा अध्यक्ष महोदय। फडणवीस ने यह भी दावा किया कि मनसुख हिरेन के फोन की आखिरी लोकेशन शिवसेना नेता धनंजय गावडे के दफ्तर के पास मिली थी। शिवसेना नेता धनंजय गावडे और API सचिन वाझे का नाम 2017 में उगाही केस में आया था। फडणवीस के बयान पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जिस समय फडणवीस आरोप लगा रहे थे उस दौरान सदन में विपक्षी विधायकों ने ये सरकार खूनी है किनारे लगाए। बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो और विस्फोटक मामले में एक नया खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने वाले शख्स की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। हालांकि उसने PPE किट पहना हुआ है जिस वजह से संदिग्ध की पहचान नहीं की जा सकी है। वहीं अब इस मामले की जाँच NIA को सौंप दी गयी है जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विरोध किया है। उन्होंने इसे विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश करार दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले की जांच NIA को देती है तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। विपक्ष महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रच रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोई व्यवस्था ही नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि NIA इस मामले में जल्दबाजी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।